सो वेलकम बैक टू अ चैनल गाइज, आप लोग देख रहे हो मुसाफिर की एक और नई वीडियो। मुसाफिर भैया की एक और नई वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। हम लोग आए हुए हैं आप सबके स्पेशल स्टोर जिसका नाम है कार मॉड। और आज जो है मंडे का दिन है, टेक्निकली हमारा स्टोर क्लोज रहता है, इंटरनली वर्किंग होती है, थोड़ा स्टोर को समेटते हुए बैठते हैं, वही रहता है। ठीक है भाई, तो टेक्निकली जो है गाड़ियों को हम लोग इस दिन एंटरटेन नहीं करते, लेकिन भाई आज कैसे ये चमत्कार हो गया, क्योंकि मैं देख रहा हूँ टेम्परेरी नंबर 2024 की HR से गाड़ी आई है। तो क्या हुआ, कस्टमर हमारे रेफरेंस का पहले कस्टमर है, कस्टमर को था कि भैया आज ही कराने में होगा, मैंने कहा ठीक है भैया आ जाओ 12 बजे स्टोर खुलेगा आज हमारा। और हमारा तो वो वाला स्कीम भी नहीं है कि हमने पार्ट किसी से मंगाना है तो मंडे को तो वो मेन मार्केट बंद रहती है तो आपको माल नहीं मिलेगा, तो ऐसी दिक्कत नहीं है भाई, इनके पास सब कुछ तैयार रहता है। और जिन जिन लोगों को भी भाई ऐसा लगता है ना कि भाई मेरे को अपनी गाड़ी क्या क्या तरीके से तैयार कर सकते हैं, तो आप लोगों को हम लोग बहुत सारी वीडियोस में दिखाते हैं। आप लोग कोई भी गाड़ी का नाम सर्च करके अगर कार मॉड सर्च करते हो, मुसाफिर सर्च करते हो, तो आप लोगों को कैटलॉग टाइप की एक बनी हुई मिल जाएगी। आज की गाड़ी हमारे पास फ्रॉन्ग्स आई हुई है। कस्टमर का क्या बजट है, कुछ आइडिया दे भाई। कस्टमर का बजट तो भैया 80-90 था। ठीक है, इसमें मेजरली कस्टमर को चाहिए था अच्छा साउंड सिस्टम, जिसे कहते अच्छा, तो वही हमें डाले ऑडियो आउटपुट। अच्छा, ऑडियो आउटपुट में अच्छा, इन्होंने हाफ बजट तो नहीं में लगाया। ठीक है, बाकी जैसे जो इसमें बाकी चीज़ें लग रही है वो आपको दिखाएंगे आपको उसके अंदर। ठीक है भाई, तो फ्रॉन्ग्स बेस मॉडल जिसमें हम लोग वर्किंग कर रहे हैं, कैसे क्या वर्किंग हुई है आप लोगों के साथ शेयर करते हैं। ये है हमारी गाड़ी जिसमें हम लोग वर्किंग कर रहे हैं। अगेन फ्रॉन्ग्स जो है वो अपने आप में आप लोगों को पता है टॉप सेलिंग है। अब तो ये टोयोटा के साथ भी अलग नाम से बिकने आने लग गई है, तो ऑफकोर्स ही बात है दोनों गाड़ियों में सेम ही काम होता है और सारे पार्ट्स आप लोगों के लिए हम लोग अवेलेबल रखवाएंगे। फ्रंट से अगर बात करूँ क्या क्या अपग्रेड कर सकते हैं या भैया ने नहीं करवाया, फ्रंट से मैं आपको पूरा ही समझाता हूँ क्या क्या हो सकता है। ठीक है, इसके अंदर DRL हो सकता है, कर रहे हैं आपके DRL कर रहे हैं इसके अंदर चेंज हम। ठीक है सर, इसके अंदर हम हेडलाइट भी चेंज कर सकते हैं जो आपकी टॉप मॉडल आती है, और इसके चार बीम वाला ऑप्शन, और इसके अंदर LED भी डाल सकते हैं। आप क्या कर रहे हैं सर, हम इसमें LED ऑप्ट कर रहे हैं क्योंकि इसकी तेज थ्रो चाहिए। कौन सा ब्रांड आप यूज करते हैं, GPNE ब्रांड आपको जैसे पता है हम उसके। कितने वॉट यूज कर रहे हैं सर इसके अंदर, 220 वॉट जा रहा है इसके अंदर। GPNE का 220 वॉट की LED इसमें हम लोग यूज कर रहे हैं, जो कि आप लोगों को पता है कि आप लोगों को ऑफिशियली केवल कार मॉड के अंदर ही मिलता है। सेकेंडली इसके अंदर हम इसको ग्लॉसी ब्लैक कर सकते हैं, इसको पेंट हो जाए, हाइड्रोडिप या पेंट, पेंट में मेजरली पेंट ही होता है उसका, कोई बाहर प्लास्टिक है कोई दिक्कत नहीं है पेंट में। इसी के साथ में एक एडिशनल और चीज़ बताता हूँ, जितने भी लोग 360 डिग्री कैमरा लगाने के शौकीन है उनके लिए भी हम लोगों ने एक ऑप्शन जो है इसमें इनेबल करवा रखा है। अगर आप में से कोई भी लगवाना चाहे तो बिल्कुल आप लोग जो है अपने तरीके से इंस्टॉल करा सकते हैं। फ्रंट से आई गेस हमने समझा दिया भाई। और एक इधर छोटी छोटी एसेसरी लगती है, वो तो आपकी मर्जी है कि आप वो ऑप्ट करेंगे या नहीं करेंगे। ठीक है, फॉग लैम्प क्रोम उसको बोलते हैं, बाकी ये जो बिडिंग होती है आप लोगों की स्किड जिसको आप लोग फोर साइड स्किड्स होती है, स्पोर्ट्स किट होती है इसकी फ्रॉन्ग्स की, तो उसको ये कहते हैं भाई। साइड से अलॉय व्हील भैया ने पहले से करा रखे, ये अलॉय व्हील डलवाए नियो के 17 इंचेस आज डलवाए, डलवा के आए थे, ये डलवा के आए थे, हमारे पास भी मिल जाएंगे जो कॉन्टेक्ट हुए वो हमको नियो से लेके कोई सा भी ब्रांड यू नेम इट दे विल गेट इट फॉर यू। फेंडर स्कोप लगा रहे हैं, फेंडर स्कोप लगाएंगे इसके अंदर, साइड मिरर टॉप मॉडल लगा दिया, लगा रहे हैं डोर वाइजर आप लोग लगवा सकते हैं, इधर क्रोम लगवा सकते हैं, हैंडल लगवा सकते हैं, बिडिंग लगवा सकते हैं। हम तो कुछ लगा रहे हैं, कुछ नहीं लगा रहे, डोर हैंडल लगा रहे हैं क्योंकि भैया कहता है मेरे को डोर हैंडल लगा रहे हैं, मतलब क्रोम वाला हैंडल लगा रहे हैं। ठीक है, तो भाई ये आप लोगों का मिरर जो है वो टॉप मॉडल वाली वर्किंग के लिए यहाँ पर तैयार हो चुका है। ये आप लोगों का बटन है, इनर क्रोम कर रहे हो सर, इनर क्रोम हैंडल कर रहे हैं चेंज। ठीक है भैया, जैसे पहले ही बताया था ये सब कपलर टू कपलर होता है हमारे पास, ये नहीं कि भैया हमने वैसे ये हमारा तो हमारा काम ही फुल प्रूफ है, सब कपलर टू कपलर है इसके अंदर। कार मॉड में आ रहे हो तो आप लोगों को मिलेगा। स्टीयरिंग का क्या अपडेट है भाई, स्टीयरिंग आपका टॉप मॉडल वाला लग रहा है फ्रॉन्ग्स का ब्लैक फिनिश में। ठीक है भाई, एंड्रॉइड स्टीयरिंग में क्या लगा रहे हो, एंड्रॉइड लगा रहे हैं 464 एल्फार्ड कंपनी का। आर्मरेस्ट लगाओगे कि लगाओगे, आर्मरेस्ट भी लग रहा है इसके अंदर भैया। ठीक है भाई, नॉब भी लग रहा है। ठीक है भाई, इसके अंदर रिले भी लग रही है जो ORM की होती है, लॉक करने पे बंद हो जाएगी। और मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगा, एंड्रॉइड स्टीरियो बहुत सारे हैं हमारे पास भैया, कुछ भी नाम बोल दे मत सुनना, बहुत सारी चॉइस है, अपने बजट के अकॉर्डिंग बना लेना। कल किसी से कंप्लेंट आ गई बात मुसाफिर भैया तक में आ जाती है, मुसाफिर भैया आपने वो दिखाया था, तो ये चीज़ आप लोग देख लेना। ऑडियो में क्या कर रहे हो उसमें भैया, ऑडियो में इसमें हम मिड रेंजेस डाल रहे हैं, चार मिड रेंज डाल रहे हैं, दो ट्विटर्स डाल रहे हैं, एक एम्पलीफायर रन कर रहा है सब कुछ। और इसमें डैम्पिंग कौन सी करी, डैम्पिंग फ्यूजन गोल्ड की करी है, डबल लेयरिंग डैम्पिंग होगी इसके अंदर। ठीक है भाई, ये भी आप लोग ऑप्ट कर सकते हो, बढ़िया चॉइस जो है वो आप लोगों को मिल जाती है। बाकी इसकी मेकिंग जब हो जाएगी पूरी तब आप लोगों को दिखाएंगे। इस गाड़ी में आप लोगों को जो है एक कनेक्टिंग लाइट भी मिलती है, वो आप लगा रहे हो सर, इसके अंदर कनेक्टिंग टेल लाइट लग गई है, तो ऑलमोस्ट सभी लगा रहे हो भाई, तुम कह रहे हो कि नहीं कर रहे भाई। ये पीछे डोम कैमरा लगा दिया, पार्सल ट्रे लगाएंगे सर, पार्सल ट्रे भी लगेगी, बूट लाइट भी लगेगी, ठीक है, मिरर भी लगेगा, सब कुछ पूरा बेस्ट टू। फिर गलत चीजें लोगों को बोल रहा है, तू कह रहा है ज्यादा बजट उन्होंने उधर लगा दिया, सब जगह तो लगा रहे हो, पूरा हो रहा है बेसिकली, पूरा बेस्ट टू टॉप है भाई, चिपकाने वाली आइटम ही नहीं लग रही, ये सब थोड़ा थोड़ा काम ऐसे, ये भाई परसेंट टू परसेंट डिफर करता है। बाकी आप स्टे ट्यून्ड रहो, आप लोगों को मजा आएगा। आज की इस वीडियो को बढ़िया तरीके से स्टार्ट करते हैं। अब जो है यहाँ पर हमारा DRL वाली वर्किंग हो चुकी है, और हम लोग जो है हेडलैम्प भी इसका जो है LED से अपग्रेड कर चुके हैं, साइड मिरर आप लोगों ने ऑलरेडी देख लिया था,
अंदर की तरफ में इस गाड़ी की सीटें वापसी लग चुकी है, लेकिन सीटों के साथ में आर्मरेस्ट हमने लगा दिया है। ये आप लोगों का स्टेयरिंग व्हील है, ये अपने स्पीकर जो इसमें लगा रहे हैं हम लोग वो भी इसमें लग चुके हैं। ठीक है भाई, स्टीरियो की अभी वर्किंग चलने वाली है। बाकी इसके अंदर जो पीछे आप लोगों की कनेक्टिंग लाइट होती है इसकी भी हम लोग इंस्टॉलेशन कंप्लीट कर चुके हैं, और ये हमारी बूट लाइट भी लग चुकी है। ठीक है, थोड़ा थोड़ा करके प्रोसेस बढ़ता जा रहा है भाई, आप लोगों को जो है पता चलेगा। क्या निकाल रहे हो भाई, वैनिटी दिखा रहे हो क्या? तो हमने भैया को वैनिटी पैसों में दी है, फ्री में दी है? ये कॉम्प्लीमेंट्री है भैया, कॉम्प्लीमेंट्री है ना भाई। ये देखो, ये वैनिटी हम लोगों ने भैया को कॉम्प्लीमेंट्री दी है। ये बेस टू टॉप कराने में, ये बेस टू टॉप कराने में जिनकी गाड़ियों में फॉग लाइट होती है उनके उसमें हम लोग वो स्विच देते हैं। भैया की गाड़ी में वो नहीं था, तो इसमें भैया को हमने कॉम्प्लीमेंट्री ये दी। ठीक है भाई, बढ़िया चीज। मीनवाइल जो है हम लोग एक और गाड़ी यहाँ पर तैयार कर रहे हैं। ये आप लोगों का बेस मॉडल नहीं है, कौन सा मॉडल है? ये डेल्टा मॉडल है, और इसमें हम लोग जो है भैया का DRL अपग्रेड कर रहे हैं। भैया ने पीछे की जो कनेक्टिंग लाइट थी वो उन्होंने जो है ऑलरेडी कंपनी से करवाई थी, लेकिन हमारे से ये हमने करे भैया ने कराए थे, लेकिन अगर आप चाहो तो ये भी करा सकते हो। बाकी DRL लगा रहे हैं फ्रंट में, LED लगा रहे हैं, ठीक है, अंदर से कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। ओके, ऐसा अपग्रेड जो है कुछ करके हम भैया को दे रहे हैं। कार मोड में जो है नाइट मोड हो चुका है पूरी गाड़ी की वर्किंग करते हुए। कस्टमर बहुत दूर से आए थे हमारे पास, हमारे रिपीट कस्टमर है, लेकिन वो जानते थे क्वालिटी प्रोडक्ट कहाँ मिलता है, तो वो हमारे पास पहुँच गए। वो सारे डिब्बे हैं जितने भी हमारे ओरिजिनल पार्ट्स के आप लोगों ने देखे। गीतांशु ने वीडियो की स्टार्टिंग में बोला था भैया जो है वो बहुत कम बेस टू टॉप वाला काम करा रहे हैं, लेकिन ये वर्ड मैं वापसी लेता हूँ। बेस टू टॉप का सारा काम इस गाड़ी के अंदर सारा काम हुआ है, मतलब बेसिकली अंदर का कस्टमाइजेशन नहीं हुआ, थोड़ा मतलब वो चीजें इन्होंने नहीं करी, लेकिन पार्ट वाइज होगा, मतलब इस सेंस में जैसे भैया का बजट सेट होगा वैसी वर्किंग होगी। बाकी अगर आप लोग बात करते हो भाई गाड़ी के फ्रंट लुक के, उससे इस गाड़ी में जो है हम लोगों ने टॉप मॉडल वाले DRL जो कि आप लोगों के इंडिकेटर की तरह भी वर्किंग करते हैं, साथ ही साथ में इसमें हेडलैम्प्स में हमने GP यानी कि बहुत ही सुपर ब्राइट LED जो कि ऑफिशियली अवेलेबल ओनली एट हितांशु और या फिर हमारे कार मॉडल है हमारे भैया के पास, तो आप लोग जो है ये प्रोडक्ट लगा सकते हो। और मैं भी आप लोगों को ये प्रोडक्ट रिकमेंड करता हूँ, क्योंकि देखो मेड इन चाइना है लेकिन सर्टिफाइड है मेड इन चाइना। ठीक है, चाइना में 1 रुपए की चीज भी बनती है और 1000 रुपए की चीज बनती है, ज्यादातर मेनली अब मेड इन चाइना ही है। ऑफ कोर्स ही बात है, तो ठोक के बोलो ना भाई, जब जो चीज बेच रहे हो तो ठोकने में क्या दिक्कत है। सर एक बार आप इसके DRLs चेक करा दीजिए, इंडिकेटर चेक करा दीजिए ऑडियंस को, इंडिकेटर तो आप लोग यहाँ से देख पा रहे हो, लेकिन भैया इसको आप लोगों के पास ऑप्शन होता है आप इग्निशन के साथ करा सकते हो, नहीं तो कई सारे लोग हेडलाइट के साथ कराते हैं। बेसिकली जो है इग्निशन के साथ DRL का मतलब डेटा रनिंग लाइट होता है, तो इग्निशन के साथ ही कराते हैं भाई। देखो कई सारे हमारे फिनिकी भाई होते हैं जिनका शौक अलग तरीके का होता है। बीच का इंडिकेटर ऑन कर दीजिए सर, और ये आपका इंडिकेटर की तरीके से काम कर रहा है। इसमें मैं आप लोगों को पहले बताना चाहूंगा, कई सारे लोग फुद्दू बनाते हैं भैया अलग से कपलर आएगा कपलर लगाएंगे, ऐसा कुछ नहीं होता। इसमें पिंस दी होती है जिसमें हमारे पास एक वायरिंग होती है, उसके अंदर हम उस पिन को लगाते हैं जिससे आप लोगों का वो प्लग एंड प्ले बन जाता है। बताएगा कोई नहीं, लेकिन होता है ना भैया, जो मैंने चीज़ बोली ऐसे था ना। ठीक है भाई, कस्टमर जो है उनसे भी आप लोगों को फीडबैक मैं अच्छी तरीके से दिलवाऊंगा। अगर आप लोग चाहो तो इसको हाई ग्लॉस ट्रीटमेंट करा सकते हो, इसमें आप लोग 360 वाला पूरा लुक जो है वो आगे से इनेबल करा सकते हो। अब जो है अगले मुद्दे की बात करते हैं, इस गाड़ी में फॉग लाइट नहीं है तो आपको हेडलैम्प बहुत अच्छे चाहिए। टॉप मॉडल के हेडलैम्प मैं रिकमेंड नहीं करता हूं, आप लोग अपने इसी वालों में LED लगाओ, जलाओ सर। इसमें आप लोगों को लो और हाई दोनों मिलता है, डिपर मारिए अपने अकॉर्डिंग, अपने सहूलियत अपने बजट के अकॉर्डिंग आप इसको सुपर ब्राइट या कम ब्राइट करवा सकते हैं, जैसा आपका बजट रहे। डिपर मार के आप लोगों को भैया लोग जो है यहाँ पर दिखा रहे हैं। एंड अगेन एक मेरा प्रेफरेंस आप लोगों को रहेगा, जैसा बजट हो वैसी हम लोग आप लोगों को बेस्ट क्वालिटी देंगे। ये LED आप लोगों को 2 साल की वारंटी के साथ में मिलती है हितांशु भैया के, उसमें टेबल रिप्लेसमेंट आपको मिलेगा। ऐसा नहीं है चाइना जाओ वहां से वारंटी लो, यहीं से आप लोगों को वारंटी मिलेगी। कस्टमर ने अलॉय व्हील पहले से डलवा रखे थे, यहाँ पर फेंडर स्कोप लगाया। ऑल दो कस्टमर को मैंने रिकमेंड नहीं किया कि भैया ये वाला लगाओ, लेकिन भैया ने बोला उनके फादर को जो है ये चीज पसंद आ रही थी तो उन्होंने इसको लगा लिया। अच्छा है ये भी, आपका डिजाइन अच्छा है। देख भाई जो हमारा तो ब्लैक वाला अच्छा है भाई, ब्लैक वाला तो मैच कर रहा था, बट थोड़ी सी डिबेट हुई ये भैया, ये मैं बोल रहा था ब्लैक वाला, भैया कहते ये वाला लगा दो। ठीक है, दरवाजा बंद कर दीजिए सर। इस गाड़ी में हम लोगों ने टॉप मॉडल वाला जो है साइड मिरर लगाया जो कि विदाउट एनी कटिंग कपलर टू कपलर लगता है। कस्टमर से भी बकायदा पूछाऊंगा, रिपीट कस्टमर है तो पता है भाई तार काट के तो उनको भेजेंगे नहीं हम लोग। ठीक है भाई, इसी के साथ में आप लोग इस गाड़ी में रूफ रेल भी लगवा सकते हो जो कि टॉप मॉडल आती है, उसमें एक पीस निकलता है और वो आप लोगों का वर्किंग आप लोग करा सकते हो। कस्टमर की चॉइस थी क्रोम हैंडल्स तो हमने वो लगा दिया। ये टॉप मॉडल के है या आफ्टर मार्केट है? ये आफ्टर मार्केट है भैया, ओरिजिनल भी अवेलेबल है हमारे पास। ठीक है भाई, लेकिन आजकल लोग वैल्यू फॉर मनी की तरफ जाते हैं, चिपकाने वाले प्रोडक्ट में आज भी ठोक के मुसाफिर भैया कह रहे 50% ऑफ है। कहीं कहीं पर कुछ कुछ वीडियो ऐसी वायरल हो रही है जहां पर गलत इन्फॉर्मेशन दी जा रही है, प्लीज उनसे बच के रहिएगा। और बाकी अगर आप लोग फोल्डेबल मिरर के बारे में बात करते हैं
तो आपका फोल्डेबल मिरर जो है वो 100% वर्किंग है। दिस इज योर नॉब जहां से आप लोग के शीशे एडजस्ट होते हैं। ये आप लोगों का इनर क्रोम हैंडल, अगर आप लोग चाहो तो हाई ग्लॉसी ट्रीटमेंट या फिर जिसको आप लोग बोलते हो ना कि भैया हाइड्रो डिपिंग वाला जो हाइड्रो डिपिंग वाले पार्ट्स करने थे, बट मैंने इनको सजेस्ट किया कि जब इंटीरियर करो तो सारा काम जैसे इसके अंदर सिल्वर पार्ट बोल रहे थे। बिल्कुल भाई, आप लोगों को जो है कुछ भी चाहिए हो आपको भैया अवेलेबल कराएंगे। इस गाड़ी में हमने टॉप मॉडल वाला स्टीयरिंग व्हील डाला, इसमें ब्लैक आता है किया है ये? नहीं, ब्लैक आता है भैया, टॉप मॉडल में ब्लैक ही आता है। ठीक है भाई, इसी के साथ में इस गाड़ी में आर्मरेस्ट डाल दिया फुल वर्किंग वाला, गियर नॉब डाल दिया, एक रिनॉन्ड एंड्रॉइड स्टीरियो डाल दिया, और अगर आप लोग चाहो तो आप लोग भी हमारे साथ आके इस वैनिटी को फ्री में पा सकते हो अगर आप लोग बेस टू टॉप पूरा कराते हो। अब मेजॉरिटी ये होता है कि लाख रुपए तक का बिल होना चाहिए, तभी आप लोगों का स्वाद जो है वो आप हमें देंगे और तभी हम आप लोगों को एंटरटेन कर पाएंगे। हमने यही नहीं डाला, इसके अंदर हमने वैनिटी मिरर डाला है, कॉम्प्लीमेंट्री बूट लाइट डाला है, रूफ लाइट डाला है। देखो भाई, रूफ लाइट भी है व्हाइट वाली, और इधर अगर आप लोग रिवर्स डालते हो तो यहाँ पर आप लोगों को जो है रिवर्स कैमरे का रिस्पांस आ जाएगा, जो फ्लिकरिंग है क्योंकि ये लाइटिंग की वजह से हो रहा है। बाकी कितने इंचेस की स्क्रीन है सर? ये 9 इंचेस स्क्रीन है। ठीक है, और सर एक चीज बताना और भूल गए होंगे। ठीक है भाई, ये आप लोगों का जो है हमने एसी वेंट का भी जो है ये पूरा चेंज किया। 4GB रैम 64GB इंटरनल, वेरी नाइस। ठीक है भाई, बहुत जल्दी ये हमारा भी ब्रांड अपने पास तक लेके आएंगे और आप लोगों तक हम लोग कन्वे करेंगे कि आप लोग ऑफिशियली कहां से प्रोडक्ट को खरीद सकते हैं। पीछे की तरफ भी अगर आप देखोगे, इनर क्रोम हैंडल हमने लगाया, अंदर से गाड़ी कोरी है, लेकिन इनको ये बकेट वाले मैट चाहिए थे, जो कि मेरे पर्सनली कुछ ज्यादा मैं खुश नहीं उन मैटों से। ठीक है, जिसको आप लोग GFX और ये सब बोलते हो, मैं तो आज ही बोलता हूँ 9D, 7D, 12D, बहुत सारी चीजें, बट कस्टमर की प्रेफरेंसेस मेन होती है हमारे लिए। लेकिन हम एज अ इन्फ्लुएंसर है तो आप लोगों को रिकमेंड कर सकते हैं इस। ठीक है भाई, भैया का वो कनेक्ट हो रहा है, तो एक बार आप म्यूट कर दीजिए सर। ठीक है, देयर यू गो। तो ये आप लोगों की कनेक्टिंग टेल लाइट है, अगेन इसके ऊपर भी बहुत हाइप है मार्केट के अंदर, कॉपी आ चुकी है। इसी के साथ में आप लोगों को मैंने जो कैमरा दिखाया, ये आप लोगों का डोम कैमरा है। इसी के साथ में कस्टमर ने ऑडियो अपग्रेड कराया था, जिसमें उन्होंने एक सबवूफर भी रखवाया है। इस गाड़ी में बूट लाइट भी हमने लगाई है। अब सबसे मेन मुद्दे की चीज़, पार्सल ट्रे भी हमारी है भाई, सारी वर्किंग हमने करी है इस गाड़ी में, हमने ऑलमोस्ट सारी वर्किंग कर दी है। अब अगर लोग मेरे से पूछते हैं कि भैया क्या फ्रॉन्क्स गाड़ी लेना एक अच्छा चॉइस रहेगा ओवर बलिनो, तो भाई मुझे पर्सनली पता नहीं ऐसा क्यों लगता है, बलिनो में ज्यादा मॉडिफिकेशन हो सकती है। भैया देखो, हर किसी का रिकमेंडेशन अलग है, माइंडसेट अलग है। जिसका माइंडसेट है कि मैं पुरानी गाड़ी जैसे बलिनो की लेगेसी चले जा रही है, ठीक है, तो बलिनो बलिनो नहीं रोक सकते भाई। बलिनो रोकेंगे, बलिनो वाला कस्टमर बलिनो लेगा, लेगेसी चल रही है, उसका रीसेल वैल्यू थोड़ा इसके लिए अभी सोचता है कि मैं आगे जाके क्या। तो अब हमारे जो दोनों भाइयों हैं जिनके ये गाड़ी आई है सर, तो दोनों भाइयों ने बहुत अपनी जो है हम लोगों को कंसिस्टेंसी दिखाई और बड़े शांति से बैठे रहे हमारे साथ। थोड़ा IPL मैच भी देखा हम लोगों ने, एंजॉय भी किया। एक बार सर नाम बता दीजिए अपना। हिमांशु। हिमांशु भाई हमारे साथ है। नवीन। नवीन भाई हमारे साथ है। दोनों भाई बहुत ओके है, भैया लोग ऑलरेडी गाड़ी करा चुके हैं। जब भैया का स्टोर हुआ करता था करोल बाग में, तो वो भी तब भी इन्होंने वर्किंग करी थी, लेकिन अब हमारा करोल बाग में कोई नामो निशान नहीं है, अब हम केवल रानी बाग के अंदर है। उसके बाद भैया जो है हमसे ब्रेजा करा के गए थे। सर पहले बताओ, ब्रेजा कैसी लगी आपको? बढ़िया लगी थी भैया, सही चल रही है। भैया कह रहे थे कुछ MVM में दिक्कत आ रही थी, हीट वीट की दिक्कत आ रही थी, तो सुनवाई की जाएगी। ठीक है, ऑन कैमरा बताना ये भी जरूरी। बाकी भैया से एक बार पूछते हैं, भैया कैसा काम हुआ है, जितने पैसे स्पेंड किए उसमें वर्थ था कि नहीं है, कहीं बेवकूफ तो नहीं बना रहे लोगों को? बिल्कुल बढ़िया। बेवकूफ बना रहे? नहीं। ठीक है, तो ये मेन चीज जानना है मेरे को कि भैया जैसे हम जो वीडियो में दिखाते हैं या जैसी भी चीज हम जो बता रहे हैं, वो जेन्युइन हो रहा है कि नहीं हो रहा है? जेन्युइन हो रही है बिल्कुल। मतलब ये था कि लास्ट तक ये पूरा का पूरा आपके साथ ही थे? हमारे साथ थे। कहीं बीच में बोल रहे हो नहीं भैया अब तो इतने पैसे बढ़ गए इतना कुछ हो रहा? नहीं। चलो भैया ने बताया। नवीन भाई से एक बार पूछ लेते, नवीन भाई कर दो। अब जैसे ये अंकल जी भी इस वीडियो को देख रहे होंगे, तो अंकल जी आपको क्या लगता है जैसे पहला रिस्पांस अंकल जी का क्या आएगा भाई वीडियो को देख के, या फिर गाड़ी देख के? बढ़िया हुआ, सेटिस्फाई होंगे वो। ठीक है, और अंकल जो है वो पॉइंट टू पॉइंट की खबर तो ले ही रहे थे कि क्या क्या लग गया, क्या क्या चीज लगी है, क्या नहीं लगा है, वो सब चीज पूछ रहे थे बार बार। ठीक है भाई, अब भाई हमारे बताएंगे। और भाई एक चीज और बताइए, आप लोग आए कहाँ से सर? फरीदाबाद। फरीदाबाद से मेरे भाई दोनों आ रखे। अगर आप लोग फरीदाबाद में, भाई ये शक्लें बहुत जानी मानी है, तो अगर आप लोगों को भाई लोग कहीं बदरपुर, फरीदाबाद, ओल्ड न्यू कहीं पर भी दिख जाए, तो भैया लोगों को एक बार थम्स अप जरूर कर देना। टेम्परेरी नंबर की गाड़ी, कितने दिन हुए सर गाड़ी ले हुए? 3 दिन। देखो भाई ये एक ट्रस्ट है, 3 दिन में गाड़ी खुलवाने का ट्रस्ट। और भाई देखो ये शौक है, ये जो अलॉय व्हील थे कौन से, कितने घंटों में डलवा देते? 1.5 घंटों के अंदर में अलॉय व्हील डल गए थे, तो शौक यही है। पहले अलॉय डले फिर गाड़ी कर गई। अच्छा, आप जैसे मैं सुन भी रहा था, आपके फादर ने आपको बोला कि यार इतने में तो टॉप मॉडल ले लेता, तो कितने रुपए बताया था आपने टॉप मॉडल कितने की थी सर? कितने की थी? 14 लाख रुपए की थी। और अगर मोटा मोटा अभी देखे, अभी आपने ली कितने की थी? 8.5। तो भाई लाख रुपए के अंदर अंदर में आप लोग बढ़िया काम करा सकते हो, है भाई, लाख रुपए के अंदर अटेन कर सकते हो आप। और भाई मैं अभी एक चीज बोलना चाहूंगा, ठोक के कैमरे के अंदर यही सारा काम अगर आप बोलोगे भैया 80,000 में कर दो, कर देंगे हम? बिल्कुल कर देंगे।
देंगे भैया, 60,000 में भी कर देंगे, बट वो ये क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा। जहाँ पर इन्होंने एंड्रॉइड 464 डलवाया वहाँ 216 116, उसके बाद 16 ही बंद हो गए, उसके बाद स्टीरियो घर तक पहुंच रहा है कि नहीं पहुंच रहा, ये भी बहुत वो है। तो भाई इसीलिए मैं बोलता हूँ क्वालिटी प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करो, आप लोगों को मजा आएगा। हमारा स्टोर है कार मॉड, मेरे भाई लोग आए थे फरीदाबाद से, और भैया एक चीज था फरीदाबाद से जितने लोग वीडियो देख रहे हैं, आना है कि नहीं आना स्टोर? बिल्कुल आना है भाई। और भैया लोग तो भेजते हैं भाई, हमारे पास कस्टमर हमारे पास भेजते हैं, मेरे खुद 5वीं गाड़ी जा रही है। और भैया मैं आज भी एक चीज बोलूंगा, मैं हर वीडियो में ये चीज बोलता हूं कि भाई देखो इंसान ने काम किया, कुछ भूल चुक कुछ अगर आपको कोई दिक्कत आ जाए, भैया सुनवाई के लिए है, कोई सुनवाई ना हो तो ये वीडियो तो सुनवाई है सबसे बड़ी, ठीक है? तो आप लोगों को बहुत अच्छी तरीके से वर्किंग मिलेगी। बाकी अगर आप में से कोई भी इंटरेस्टेड है अपने कोई से भी ब्रांड की गाड़ी को बेस टू टॉप कराने के लिए, चाहे वो क्रेटा हो, चाहे वो बलिनो हो, चाहे वो ब्रेजा हो, चाहे वो कहीं की भी कुछ हो, चाहे वो टाटा हो, नेक्सॉन हो, कोई भी गाड़ी हो, वो सारी मॉडिफिकेशन, स्कॉर्पियो बूरपियो, अब मैं इनको जो मैंने गेम बोला है भाई वो ये गेम है, हम एक गाड़ी के ऊपर रुक के तो रह नहीं सकते, हमने सारे काम करने, लेकिन हम लोगों को इन गाड़ियों से जो प्यार मिलता है वो अंधा है भाई, ठीक है भाई? बाकी आप लोगों से मिलेंगे आज की इस वीडियो के बाद, और हमारे स्टोर का नाम है कार मॉड, रानीबाग के अंदर स्टोर है, मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, सो टिल देन कीप वॉचिंग, एंड एक बार ऐसे कर दीजिए भाई, बाय बाय।